लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। स्कॉटलैंड में रहने वाले एक किसान ने कुछ साल पहले गलती से एक ऐसी खोज कर दी थी जिसके बाद जमीन के नीचे एक नई दुनिया का पता चल गया था। ये किसान अपने खेत के टहल रहा था, इसी दौरान उसने एक पत्थर को फेंकने के लिए उठाया तो उसके नीचे उसे कुछ खास चीज नजर आई। वो खास चीज बाद में जाकर एक पूरा शहर निकला जो करीब 5000 साल पुराना था। इस शहर को स्कारा ब्रे नाम दिया गया था। इस प्राचीन शहर की खोज स्कॉटलैंड के ऑर्कनी आइलैंड में हुई थी। जब एक किसान ने टहलते हुए एक पत्थर को उठाया तो उस पत्थर के नीचे उसे कुछ प्राचीन चीजें होने का एहसास हुआ। किसान को इतिहास का कोई ज्ञान तो नहीं था, लेकिन वो प्राचीन कलाकृतियों को पहचान सकता था। खेत में एक प्राचीन पत्थर मिलने के बाद उसे लगा कि यहाँ और भी कुछ हो सकता है, जिसके बाद उसने वहाँ एक एक्सपर्ट को बुला लिया। विशेषज्ञों ने वहाँ आकर किसान के साथ उस जगह को देखा और वहाँ एक ऐसे प्राचीन शहर का पता लगाया जो हजारों सालों से घास और चट्टान के नीचे दबा हुआ था। इतिहासकारों के लिए वो दिन किसी उत्सव से कम नहीं था, क्योंकि उस जगह पर जो प्राचीन शहर मिला वो सैकड़ों साल पुराना न होकर करीब 5000 साल पुराना था। साथ ही वहाँ उसके टूटे फूटे अवशेष न मिलकर एक व्यवस्थित शहर मिला था। विशेषज्ञों के मुताबिक यहाँ जो शहर मिला वो मिस्र के अद्भुत पिरामिड से भी पुराना है, क्योंकि ये पिरामिड तो करीब 4575 साल पुराने हैं। ये प्राचीन स्कॉटिश शहर रेत के टीलों के नीचे दबे रहने की वजह से इतने साल तक छुपा रहा। इस खूबसूरत आइलैंड में रेत के टीले के नीचे दबे इस प्राचीन शहर में 8 बड़े मकान मिले। विशेषज्ञों के मुताबिक जहां करीब 50 से 100 लोग साथ में रहा करते होंगे, यहां मिले सभी मकान एक दूसरे के साथ एक बड़ी और प्रभावी सुरंग के जरिए जुड़े हुए थे। खुद को दुनिया से बचा कर रखने के लिए पहले के लोग अपने मकान के सामने बड़े बड़े पत्थर रखा करते थे।